आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग हमारे चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों हमारे जो नुस्खे होते हैं वो वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं। आप अगर सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाएं, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। दोस्तों कोंकण प्रांत में इसे आसानी से देखा जाता है, हिमालय की तराई में इसकी पैदावार अधिक होती है। इसके पत्ते लंबे चौड़े होते हैं, इसका प्रयोग पत्तल बनाने के लिए किया जाता है। इसकी दो जातियां होती हैं, एक काली होती है एक सफेद होती है। इसकी छाल लचीली और मजबूत होती है, इस कारण इसकी रस्सी बनाई जाती है। ये पित्त, ज्वर, कफ, योनि दोष, विष, कृमि, मिर्गी तथा नपुंसकता के नाश में प्रयुक्त किया जाता है और ये नपुंसकता को खत्म करने के लिए बहुत ही रामबाण भी माना जाता है। तो दोस्तों इतने सारे नुस्खों की हमने बात की, हमने बताया कि ये कहाँ कहाँ मिलता है। इसका नाम है कायफल। जी हाँ, कायफल। कायफल घुटनों के दर्द के लिए रामबाण इलाज है। इसके उपचार के लिए आप बाजार से 250 ग्राम कायफल लाकर उसके टुकड़े या चूरा करके उसे 1 लीटर सरसों के तेल में अच्छी तरह पका लें और फिर उसे छानकर उस तेल से घुटनों की मालिश करें या उसकी सिकाई करें। कायफल की छाल बाजार से लाकर उसे नींबू के रस में घिसकर तथा लेप घुटनों पर लगाकर सिकाई करें। आप देखेंगे कि आपके घुटनों के दर्द यानी ऑर्थराइटिस या गठिया के दर्द में आपको आराम मिलने लगा है। दोस्तों अगर किसी के दांतों में दर्द है तो भी कायफल की छाल का काढ़ा बनाकर कुल्ला करने से दांत मजबूत होते हैं और दांतों के सभी रोग दूर हो जाते हैं। अगर आपको लू लग गई है तो लू लगने पर इसकी छाल का जूस निकाल कर पिलाने से बहुत फायदा होता है। जलने पर भी कायफल बहुत काम आता है। किसी भी प्रकार के जले पर इसकी छाल का रस लगाना जलन को कम करता है, साथ ही कुछ ही दिनों में घाव को भर देता है। जिन लोगों को मिर्गी के दौरे आते हैं उनको भी जो कायफल है वो बहुत फायदा पहुंचाता है। कायफल को घिसकर आप अगर मिर्गी के दौरे वाले रोगी को पिलाएंगे तो उसकी मिर्गी ठीक होने लगेगी। अगर किसी तरह का श्वास रोग है तो इसकी छाल का रस राई के साथ पीस कर पिलाने से हितकारी होता है। 15 दिनों तक लगातार इसका सेवन करने से किसी भी तरह के घुटनों का दर्द और सूजन में आराम मिलता है। तो जाना दोस्तों आपने कायफल कितना फायदा पहुंचाता है। बस आपको कायफल मार्केट से लाना है और उसको जो बताई हुई विधि है उसके अनुसार प्रयुक्त करेंगे तो जो संबंधित रोग हैं उनसे आपको फायदा मिल जाएगा। दोस्तों फिर भी आप अपने वैद्य की सलाह जरूर ले लें और उसके अनुसार ही आप इसका सेवन करें। दोस्तों आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।